न्यूज नशा, आदत हर खबर की। जूता से मारल जाएगा, चप्पल के माला पहनावल जाएगा। आने वाले दिनों में जनता समझ रही है उसको, एक को वोट नहीं देगा, रगेदा जाएगा। किसको? नीतीश कुमार जी को। लालू जी बोले हमारा दिल बड़ा था, छोटा भाई था। किसी का दिल बड़ा नहीं, राजनीति में दिल बड़ा नहीं होता, दोनों पलटू है। नीतीश कुमार का पलटू का साबित कर रहे हैं तो नीतीश कुमार 45 सीट चलाते हुए कहे आप मुख्यमंत्री बनने दिए। वो तो पलटू है ही है, लेकिन साथ साथ गद्दार भी है। जनता के साथ में वो बहुत बड़ा हरामी खोर भी वो काम किया है। नीतीश जी के साथ हम नहीं है, हम विकास के साथ विकास करेंगे। यही नीतीश कुमार के तो बोला कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ये फिर कमी ना किया। नीतीश जी बोलते हैं कि दारू बंद कर दिए। कहाँ दारू बंद है? डेगे डेग दारू मिल रहा है और कहते हैं घरे घर मिल रहा है और जहर मिल रहा है। क्या नाम है चाचा? जय किसान। गलत काम किया है। क्या नाम है? पूरा जादवे जी है। हाँ जादवे जी हैं। तो क्या कहवा पूरा आप लोग? तो नीतीश बाबू को जब बदलते हैं तो कहते हैं कि हमारे भतीजा बा, अब फिर उधर मार चल जाते हैं एनडीए में तो कहते हैं कि भाई एनडीए वाले ठीक है। तो क्या कहिएगा, दल बदल हुआ, उनका नाम पड़ गया। तो कितना आने वाले दिनों में, क्या आने वाले दिनों में जनता समझ रही है उसको, एक को वोट नहीं देगा, रगेदा जाएगा। किसको? नीतीश कुमार जी को। गुस्सा में है, एकदम गुस्सा में है भैया। जहाँ भाषण देने जाए पहले उसको रगेद के मारो, समझ लीजिए यही होगा। भाजपा तो बोल रही है अब यादव हम लोग के साथ आ जाएगा, यादव के साथ नहीं रहेगा। जब जब भाजपा वाले भाषण देंगे जब जब रगेद के मारा जाएगा, समझ लीजिए पूरा खदेड़ दिया जाएगा। अब कोई भी वोट मांगे आएगा। हाँ, कोई भी वोट मांगे। देखिए सीधे तौर पे लालू के समर्थन में आज भी यहाँ के जो यादव हैं, बिहार के यादव हैं, और ये वही MY समीकरण के तहत लालू यादव अपना साम्राज्य खड़ा किए थे। और लालू यादव के साथ जो गद्दारी की गई है उसको लेके जो बिहार की जनता है, जो यादव समाज है, वो कहीं ना कहीं गुस्से में। क्या नाम है? यादवे जी हैं। छोड़िए ना, कैसे होगा, क्या होगा? लालू जी का कुर्सी गिरा दिए नीतीश। लालू जी कुर्सी नहीं गिरा है। लालू जी भी पलटू है और बीजेपी भी पलटू है। अच्छा, दोनों है। अगर नीतीश जी को 45 सीट था तो दोबारा अब क्यों लिए लालू जी? और अब लालू जी फिर बीजेपी में गया तो बीजेपी भी पलटू है। लालू जी बोले हमारा दिल बड़ा था, छोटा भाई था। नहीं, किसी का दिल बड़ा नहीं, राजनीति में दिल बड़ा नहीं होता, दोनों पलटू है। नीतीश कुमार का पलटू का साबित कर रहा है तो नीतीश कुमार 45 सीट चलाते हुए कहे आप मुख्यमंत्री बनने दिए। सबसे बड़ी सवाल यह है, तेजस्वी के साथ आप रहिएगा 25 में कि बीजेपी के साथ रहिएगा? हम लोग विकास पुरुष के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। या नीतीश जी के साथ है चाचा, आपके दोस्त जो है मित्र में भगावल जाएगा, सबके खदेड़ल जाएगा। हम नीतीश जी के साथ नहीं है, नीतीश जी के साथ हम नहीं है, हम विकास पुरुष के साथ विकास करेंगे। तो ना विकास पुरुष कहा जाता है, विकास किया तो फिर बोल रहे हैं नीतीश को रखा जाएगा। अरे वो विकास करे यही बात की भाई, तो जैसा पास गया है वो कहे इतना बड़ा धरती पर राजनीतिक में आपके मित्र तो बोल रहे हैं कि भगाया जाएगा, DNA में ही गड़बड़ है। अरे बोलने क्या, हम लालू जी के साथ नहीं रहेंगे के साथ है ना, हम विकास पुरुष के साथ है। ये तो बोल रहे लालू जी काम किए हैं। लालू जी कहाँ काम किए? तो धोखेबाजी किए हैं। लालू जी तो ऐसा नहीं कुछ, हार के जीतवाला क्या कहिएगा नीतीश जी को? तो बड़ा नीतीश जी ने बड़ा धोखेबाजी कर दी राजद के साथ। धोखेबाजी किए कि नहीं किए तो हम नहीं जानते हैं, कहा कि राजनीति में सब चलता रहता है। लेकिन एक चीज हम गर्व से कहेंगे कि जब लालू जी का राज था, उनका फुल बहुमत की सरकार थी, तो रोड पर जो जनता है, जो गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला है, रेड़ी ठेला लगाने वाला है, सब खुशहाल था। और जब से नीतीश जी की सरकार आया है गरीब के साथ क्रश हो रहा है, गरीब परेशान है महंगाई से, गरीब परेशान परेशान है, वाकई में गरीब परेशान है बीजेपी के शासन में। हाल में महंगाई उतना ही अच्छी सीमा, और लालू जी के राज में हम लोग खुश थे, कमा रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, खुश रहे, खुश थे। सब चीज महंगा है। नीतीश जी बोलते हैं कि दारू बंद कर दिए। कहाँ दारू बंद है? डेगे डेग दारू मिल रहा है और कहते हैं घरे घर मिल रहा है और जहर मिल रहा है। और 25 में आप लोग तेजस्वी के साथ है? तेजस्वी हम साथ है। ये बोल रहे थे आपके भाई साहब जो हैं वो कि भाई साहब के बोलने के क्या विचार आ रहा है? नहीं नहीं, आप विकास पुरुष बोले ना जी। हम लोग विकास पुरुष, जो काम बिहार में करेगा, जनता को सेवा करेगा, उसके काम किए हैं। हमने कैसे किए?
आप पेपर 24 घंटा बिजली मिल रहा है, 24 घंटा रोड पर आदमी चल रहा है, महिलाएं सुरक्षित है। लालू जी के समय में नहीं था क्या सुरक्षित? नहीं, ये नहीं घंटा, 24 घंटा जाने के लिए बिजली तो जरा सा नहीं कट दिया, भूखे मर जाए। यही सरकार है, थाना में क्या जाए लालू जी का? यही सरकार है, जरा सा बिजली लाइन कट जाए, बाले बच्चे भूखे रह जाए, पानी भी ना मरे। चलिए सीधे तौर पे यहाँ पे तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या कहिए कि यादव समाज के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। और सीधे तौर पे इनका मानना है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को 2025 में करारा जवाब दिया जाएगा। यहाँ भी कुछ चचा लोग हैं, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो है वो पूरी तरह से लालू यादव को सत्ता से बेदखल करने के बाद तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। और सीधे तौर पे उनका मानना है कि आने वाले दिनों में जो नीतीश कुमार है और बीजेपी को करारा जवाब दिया जाएगा। नीतीश कुमार अगर वोट मांगने आएंगे तो यहाँ पे जूता से भी मारेगा, जूता से मारा जाएगा, चप्पल के माला पहनावल जाएगा, जो भी आएगा। विकास की है, विकास क्या, विकास क्या होता है? खाली मूर्ति के पूजा, आदमी भूखे मरे जिंदा, विकास यही होता है? खाली मूर्ति के पूजा। कौन है? चौरसिया है, काम किए हैं चौरसिया जी? एक दिन, भेट करने आता है, जीतने के बाद कभी भेट किया है? अगर इस बार आएंगे तो 25 में आएंगे तो आएगा, तो मुंह नहीं आने का है, उनको विदा किया जाएगा। नीतीश कुमार ने एक बड़ा आरोप लगाया कि आरजेडी वाला हमको काम नहीं करने दे रहा था, कितनी गलत बात है। आप सरकार में आपका रोक रहा है काम करने के लिए, हाथ गोड़ बांध दिया था, जूता के माला हाथ गोड़ बांध दिया था। सीधे तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बड़े भाई यानी लालू यादव और भतीजे तेजस्वी यादव को सत्ता से बेदखल कर दिया है और नई सियासी पारी अब बीजेपी के साथ खेलने को निकल पड़े हैं। जहां एक ओर नीतीश कुमार के तरफ से लगातार हमला बोला गया और सीधे तौर पे बड़ा आरोप लगाया गया कि राजद लगातार जेडीयू को डैमेज करने की फिराक में था, और जहाँ बिहार की सियासत की बात कर ली जाए तो बिहार की सियासत में, राजनीति में लालू यादव किंग मेकर माने जाते हैं और लालू यादव के साम्राज्य को नीतीश कुमार ने उखाड़ने का काम किया और सीधे तौर पे कहा कि आने वाले दिनों में जो लालू यादव का राजनीति वजूद है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम को लेके अब तेजस्वी यादव, राजद के जो तमाम नेता हैं, वो पूरे हत्थे से गर्म हैं। और जिस प्रकार से लालू यादव लगातार नीतीश कुमार को कम सीटें होने के बावजूद भी कुर्सी पे बैठाने का काम किया था, लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई में अब जानी दुश्मनी छिड़ चुकी है। और हमारी मौजूदगी अभी पटना के अनिसाबाद में है और जिस दम पे लालू यादव बिहार में लगातार अपना साम्राज्य कायम किए थे, यादवों के साथ हम हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस नीतीश कुमार को लालू यादव ने सत्ता तक बैठाने का काम किया था, लेकिन अब यादवों को और लालू यादव को बीजेपी और नीतीश कुमार लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में लालू यादव को बिहार से कबार दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। क्या नाम है चचा? रामचंद्र। जादवे जी हूँ। जादवे जी हैं, जोर से बोलिए जरा। यादव जी हैं, यादव जी हैं। क्या रोड पे लिया आया नीतीश कुमार लालू यादव को और तेजस्वी यादव को, कहा कि अब बर्बाद कर देंगे? वो तो पलटू है ये है, लेकिन साथ साथ गद्दार भी है, जनता के साथ में वो बहुत बड़ा हरामी खोर भी वो काम किया है। लालू के हम साथ हैं, लालू के हम साथ हैं, लेकिन सीधे तौर पे, जेडीयू वाले कह रहे हैं कि यही वही लालू यादव है जो नौकरी के बदले जमीन लेता है, ये लोग गंदा आदमी है। गलत बात है, गलत बात है, वो खुद पलटू तो है ये है, नमक हराम भी, वो पतल चट भी है। समाजे वाले आने वाले दिनों में तो भतीजा जो था आप लोग का, जिसको तेजस्वी को आप लोग डिप्टी सीएम बनाए थे, वोट दिए थे, अब तो नीतीश कहीं के नहीं छोड़े, बोले कि 2025 में भी बर्बाद कर देंगे राजद वाले को। काम कर दिया हम, क्या सारा जनता यही बात बोल रहा है कि सब जो से वो पलटू तो है, लेकिन नमक हराम भी है, गद्दार भी है। 25 में चुनाव है, तेजस्वी को बनाना है सीएम की नहीं? एकदम बनाना है। क्या कहना चाहिएगा तमाम यादव एकजुट होकर, क्या बोलिएगा नीतीश कुमार को? यादव जिंदाबाद, यही बोलेंगे, इसको सीएम बनाना है तो बनाना है।
नीतीश कुमार और बीजेपी ने जो खेल तो खेला, भड़ुआ के कुछ ही बोल रहा है उसको, तो बातें कुछ अलग करना। किसका? नीतीश कुमार का, उसको कुछ ही करना। तब आप लोग तेजस्वी के साथ है, लालू जी के साथ है, मरते दम तक? मरते दम तक। देखिए कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। तेजस्वी जी को रोड पे ले आया। देखिए कुछ और भी लोग हैं। चचा का नाम बा? कपिल राय। कपिल राय यही रहते हैं? जी हाँ, अनीसाबाद में। अनीसाबाद में रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिस प्रकार से कम सीट होने के बाद भी लालू यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अब सत्ता से बेदखल कर दिया है, कहा कि लोग कोई काम का नहीं है। काम के तो वही भड़ुआ के जनता से वोट लेता है, अब विपक्ष में कहता है कि दरवाजा बंद है भाजपा वाला, इसको डीएन भी चेक करावे ला कहा है। डीएन है? डीएन यही नीतीश कुमार के, तो बोला कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ये फिर कमीना किया, ऐसा कमीना धरती पर आदमी है गोर धरता है, बड़े चल गया एक साल में चल गया, बड़े भाई को गोर धरता है, फिर जला गोर धर कर खड़ामी करता है। तब तो नीतीश कुमार और बीजेपी वाला बोल रहे हैं कि घबराइए नहीं, इलाज होगा, सब जादुओं का इलाज होगा। अच्छा तो इलाज करेगा चाहे जाएगा, दोनों जाएगा, यादव सब आ जाएगा, बीजेपी में ये बात ज्यादा भाई पे करेगा, बीजेपी के साथ जाइएगा ना है जी। किसके साथ? लालू यादव के जोड़े रहेंगे, सदा रहेंगे। तेजस्वी यादव पूरी तरह से उदास है, परेशान है, वो उदास होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव को आप उदास होने वाला नहीं है, सब उसको समर्थन के साथ रहेगा, यादव और सब समाज है साथ रहेगा उसको। ये दोनों के पलटू है सलाह, और गोर धरता है गिर जाता है। लालू जी काहे पिघल गए थे नीतीश कुमार को बताइए, 45 को सीट था और उसके बाद ही। देखिए यादव ऐसा सच्चा आदमी है कि जो गोर पर गिर जाता है उसको उठा लेता है, और वो कमीनपाना करता है तो के दिन करेगा, पेट में दांत है नहीं चलेगा उसको। तुरंत देखिएगा साले भर में फिर उसको भी गांड पर लात मार के भाजपा वाला भगावेगा। फिर आएगा तो आप लोग के पास नहीं, अबड़ी मार आ गया, मार के भगावल जाएगा, चलल जाएगा, अबड़ी नहीं है, नहीं अबड़ी नहीं, किस हालत में। लालू जी का तबीयत खराब था, इतना दरिया दिल्ली दिखाए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिए, बड़ा दिल था तब ना। बड़ा दिल है ये है, अरे यादव का बड़ा दिल है ये है, हर एक आदमी को समेट के चलने वाला है लालू यादव, तेजस्वी यादव। तब बोल दिया कि अभी लोग का सूरज किरण डूब जाएगा, अब राजद अब खत्म होने वाला है। अच्छा वो भगवान पर कीचड़ पिघला पर अंधारा होता है, इंजोड़ा इंजोड़े रहता है। 25 में क्या उम्मीद है? 25 में दम आवेगा तेजस्वी यादव, अब ये अकेले लड़ना है, दम अकेले लड़ना है। आप है ना तेजस्वी के दम रहेंगे, कुछ कहना चाहिएगा नीतीश कुमार को? कुछ कहना चाहिएगा उसको? क्या कहिएगा जिसको राजे शर्म नहीं आँख में है कि वही तो समय आवे तो गोर धर लो, फिर वही जो गोर धर के छटक जाओ, वैसा आदमी क्या कहिएगा? बेशरम आदमी पूरे जनता गाड़ी बकरा है, पूरे जनता गाड़ी बकरा है। देखिए कुछ और भी राय लोग हैं, कपिल राय जी हैं यहीं पे अनीसाबाद के रहने वाले, पटना के रहने वाले, और पूरे कहीं ना कहीं नीतीश जी और सीधे तौर पे बीजेपी पे गर्म है। क्या नाम है भैया? कमलेश कुमार। जोर से बोला जरा, कमलेश कुमार। क्या कहिएगा, लालू जी को तो धोखा दे दिए नीतीश जी? वो धोखा खुद अपने कहा है, लालू जी को धोखा नहीं दिए, नीतीश कुमार वो अपने धोखा गिर गए हैं, वैसे भी गाएंगे कि फिर कोई उनको उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। बीजेपी और नीतीश कुमार पूरी तरह से गदगद हैं? कोई गदगद नहीं है, लालू जी शेर है, नीतीश तेजस्वी जिंदाबाद रहेगा। और उसको यही बीजेपी वाले बोलते थे कि नहीं नीतीश जी को अब गेट बंद हो गया, घुसने नहीं दिया जाएगा। वो तो वो सब तो पलटू है ये है, साथ साथ तो बीजेपी वाला भी गद्दारी। 25 के हवा कितने चलेगा? 25 तेजस्वी यादव के एकदम फुल बहुमत है। देखिए कुछ और भी लोग हैं लगातार जनता की राय जानने के लिए हम आए। चचा सुनो ना, हो देखिए यहाँ पे एक और व्यक्ति है जो यहाँ पे दुकान चलाते हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश ठाकुर। ठाकुर जी हैं, कपूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत खुश है। कपूरी जी का असली चेला कौन, लालू जी की नीतीश कुमार? लालू जी है। नीतीश जी तो लालू जी का कहीं का नहीं छोड़ा, मुख्यमंत्री भी बनाए और उसके बाद रोड पे ढकेल दिए। तो क्या कीजिएगा, जो मैंने इनके आपसे कपूरी ठाकुर के चार बेटा है तो चारों में तीन को बिठाने दे, तो वह में सब मैंने कहा गया है कि वो भाजपा हो गया। नीतीश जी जो धोखा दिए हैं उसको किस रूप में आप देखते हैं कि आने वाले 25 में किसके साथ रहिएगा आप लोग? जो हमको करने वाले हैं लालू जी, लालू जी के बेटा है तेजस्वी, उनके साथ है। तेजस्वी जी के साथ है। किधर के हवा चलेगा?
बस तेजस्वी के चल रहा। पटना के यादव हैं, इन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार बीजेपी को करारा जवाब दिया और सीधे तौर पे कहा है कि लालू यादव और नीतीश लालू यादव के साथ जो नीतीश कुमार ने गद्दारी की है इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और लालू यादव के पीठ पे नीतीश कुमार ने खंजर भोंकने का काम किया है, तमाम जो पूरे बिहार के जो लोग हैं आने वाले 24 और 25 में इसका करारा जवाब दे दिया जाएगा। और जिस प्रकार से बिहार में स्थिति है, जो सियासी पारी एक बार फिर से नीतीश कुमार ने तेजस्वी बीजेपी के साथ उतरे हैं और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नौवीं बार नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं, और इस पूरे घटनाक्रम को लेके बिहार के जो यादव हैं वो लगातार गुस्से में हैं। रोहित यादव, न्यूज इंसा, पटना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।